गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय ऑनलाइन क्लास। चंदा मैम आपको इंग्लिश में पहले आपको पढ़ाया था चंदा मैडम ने कि नाउन क्या होते हैं, अल्फाबेट क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, सब कुछ मैंने पढ़ा दिया आपको। उसी के क्रम में मैंने आपको पढ़ाया था नाउन, नंबर, संज्ञा, वचन, उसके कुछ रूल्स मैंने आपको पिछले क्लास में पढ़ाए थे। ये उसका सेकंड पार्ट है। आज हम उसी के आगे चलते हैं। आठवां रूल है इसका, सेवन्थ रूल तक मैंने आपको पढ़ा दिया था, अब एट नंबर रूल आज हम पढ़ेंगे। यदि एक वचन संज्ञा के अंत में, यदि एक वचन संज्ञा के अंत में वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट्स, वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो वाई को आई में बदलकर ES जोड़कर बहुवचन बनाएंगे। ES जोड़कर बहुवचन बनाते हैं। सेवन रूल मैंने आपको पहले पढ़ाए थे, ये उसी के आगे अगला क्रम में आठवा है। संज्ञा के अंत में यदि Y से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो Y को I में बदलकर ES जोड़कर बहुवचन बनाते हैं। जैसे फर्स्ट है आर्मी, वाई को हटाना है, ARMIES आर्मीज। बेबी नंबर टू है, बेबी बेबीज। लेडी लेडीज। स्टोरीज। वाई को हटाकर, वाई को आई में बदला तो IES ये लगाया बने इसमें दो वजह में। कंट्री कंट्रीज। सिक्स है ड्यूटी, DUTY ड्यूटी, ड्यूटीज। समझ आया? ये एट नंबर का रूल है। यदि संज्ञा के अंत में वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, वाई से पहले कॉन्सोनेंट M आ रहा है, B आ रहा है, D आ रहा है, R आ रहा है, ये कॉन्सोनेंट्स है, वॉवेल नहीं है, AEIO नहीं है। बच्चों ध्यान देना कि इसमें कॉन्सोनेंट्स होगा वाई से पहले, तभी हम IES लगाएंगे। अब इसी के आगे अगला रूल है, एक बार देख लीजिए आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या करना है। जरूरी है पर उसको नोट करेंगे। नेक्स्ट है नाइन नंबर रूल है, यदि सिंगुलर एक वचन के अंदर अगर वोवेल आता है तो प्लूरल कैसे बनाते हैं। जैसे इसका रूल लिख लीजिए भैया, सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर के मध्य में वोवेल को बदलकर प्लूरल बनाना है। वोवेल को बदलकर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे एग्जांपल है फूड,
फुट, फुट का हो जाएगा फीट, फीट फुट का फीट नंबर वन। नंबर टू बूज जी डबल ओ ऐसी बीज जी डबल ई ऐसी। नंबर थ्री टूथ टी डबल ओ टी एस टूथ टी डबल ई टी एस टी। मेन एम ई एन मैन। वुमेन वुमेन। माउस माइस। ठीक है, एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए। सिंगुलर नंबर के मध्य में वोवेल को बदलकर प्लूरल बनाया जाता है। सिंगुलर मतलब इनके बीच में जो ये वोवेल आ रहा है इनको बदलकर अपन ने प्लूरल बनाया है। नेक्स्ट रूल नंबर टेन। रूल नंबर टेन, रूल नंबर टेन है कुछ नाउन के अंत में ई एन या ई आर आर ई एन जोड़कर भी प्लूरल बनाया जाता है। ई एन और आर ई एन कुछ नाउन में नाउंस के अंत में ईएन और या आरईएन जोड़कर पूरे बने से। एग्जांपल है इसका चाइल्ड चिल्ड्रन ऑक्सो ऑक्सन। ये देखिए हमने जोड़ा है इसमें ईएल और ईएल आरईएल। एक बार देख लीजिए। फिर नेक्स्ट रूल है रूल नंबर इलेवन। कुछ नाउन ऐसे होते हैं, कुछ नाउन के सिंगुलर और प्लूरल समान होते हैं, के सिंगुलर और प्लूरल समान होते हैं। जैसे एग्जांपल है एच ए आर बेयर, एच ए आई आर बेयर। फिश फिश। शीप शीप एस एस डबल ई पी एस एच डबल ई पी शीप। डी डी। अब लास्ट एक रूल और बचा है, टोटल रूल्स 12 है। नाउन नंबर को सिंगुलर प्लूरल सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए मैंने आपको तो अभी तक 11 रूल्स पढ़ा दिए हैं। इन रूल्स को ध्यान में रखते हुए भी आप अपना वर्क करेंगे। अब मैं एक लास्ट रूल बचा है जो प्रोनाउन का है, प्रोनाउन से रिलेटेड है, सर्वनाम जिन्हें हम हिंदी बोलते हैं सर्वनाम, उसमें किस प्रकार बदलते हैं मैं वो आपको बताऊँगी। एक बार आप इनको एक बार देख लीजिए। कुछ नाउन के अंत में ईयर और आरियर बता दिया, सिंगुलर को प्लूरल कैसे समान होते हैं ये बताया मैंने, वोवेल को बदल कर कैसे प्लूरल बनाया मैंने सिंगुलर में, आपको समझ में आया होगा और आ जाएगा। मैडम बहुत इजी तरीके से समझाने की कोशिश करती है और समझाएगी भी इजी तरीके से ताकि आप उसको अच्छे से समझ सकें और अपनी कॉपी में राइट डाउन कर सकें। नेक्स्ट लास्ट रूल है 12 नंबर। लास्ट रूल है प्रोनाउन को कैसे
मतलब सर्वनाम को हम कैसे बदलते हैं प्रोनाउन, ये हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। निम्न प्रकार बदलते हैं इनके देख लीजिए, निम्न प्रकार से बदलते हैं। इसका एग्जांपल है जैसे आई सिंगुलर है इसका वी हो जाएगा, दिस का दिस, दैट का दोस, ही शी इट का दे, ही शी इट का हो जाएगा दे। ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, ठीक है ना। आई का बी, दिस का दी, दैट का बॉस, ही शी इट का दे। ये मैंने आपको कंप्लीट, आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है कि नाउन नंबर कैसे बदलते हैं, इनके रूल्स क्या क्या है। आप रूल्स को अगर माइंड में रखेंगे, रूल्स को याद रखेंगे, तो आप ये बहुत इजी तरीके से आप सिंगुलर को प्लूरल में बदल सकते हैं। आप कुछ वर्ड्स और जोड़ के अपने घर पे प्रैक्टिस करना, रफ नोटबुक में लिखना किसका प्लूरल कैसे बनता है। आप ये रूल्स को ध्यान में रख के आपको ये वर्क करना है, और ये सारा वर्क जो है पहले का जो वर्क है उसी के आगे आपको कंटिन्यू में पार्ट टू समझ के इसको आगे कंप्लीट करना है। ठीक है बच्चों, ओके बाय, थैंक यू।